ही आगे बढ़ता है, हमेशा याद रखना जीवन में मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि अगर बदलोगे नहीं, क्योंकि नाइन्थ तक आप पढ़ के आए हो जहाँ पे आपने बोर्ड क्लासेस का थोड़ा सा भी रत्ती भर एक्सपीरियंस नहीं लिया, और यहाँ से आप एकदम बोर्ड क्लासेस में आ गए, और जहाँ पे आप एकदम COVID-19 के लॉकडाउन में कैद हो रखे, और आप अभी तक टीचर्स के इंटरेक्शन में नहीं हो, आपको इस चीज का फायदा उठाना उठाइए, पर समय रेत की तरह है, हाथ से निकलता जाएगा, और अगर इसको नहीं संभालोगे फिर बाद में बैठे रह जाओगे, कहोगे मेरे तो मार्क्स ही नहीं आए, ये एक्सक्यूज वो एक्सक्यूज है। अगर हमेशा एक चीज याद रखना, कभी भी एक्सक्यूजेस आपको परफेक्ट नहीं बनाएंगे। तो इसी के साथ हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वेलकम यू ऑल इन माय ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो सोल्ड, अब हम इन वीडियोस को जो वॉच करते जाएंगे सोल्ड की, इनमें से एक वीडियो पक्का पेपर में आनी ही आनी है, ठीक है। एक एक चीज समझाऊंगा बारीकी से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आने हैं आपके, असर्शन रीजन भी आने हैं, आपका कॉम्प्रिहेंशन भी आना है, तो प्लीज हमेशा ध्यान से वीडियो को वॉच करिए। ऐसा लगना चाहिए कि यू आर वॉचिंग अ मूवी, या मूवी को जब याद कर सकते हो, क्योंकि 3-4 बार जब मूवी को वॉच कर लेते हो याद रहती है, वीडियो को भी 3-4 बार वॉच करोगे वो याद रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। कॉमन सोल्ट, आज का हमारा पहला सोल्ट है वो कॉमन सोल्ट। कॉमन सोल्ट का केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। तो आपसे पेपर में पूछा जाता है केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला बताइए, तो केमिकल फॉर्मूला NaCl, ठीक है। केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम होता है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसको कॉमनली टेबल सोल्ट भी कहा जाता है। घर में हमारे नून जो रखा होता है, नमक जो है, उसी का फॉर्मूला है NaCl, कॉमन सोल्ट, ठीक है। तो फिर उसका प्रेपरेशन, दो तरह की प्रेपरेशन होती है, कमर्शियल, कमर्शियल का मतलब लार्ज स्केल में, और लेबोरेटरी प्रेपरेशन। तो सबसे पहले कमर्शियल प्रेपरेशन की बात करते हैं, और लार्ज स्केल इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सोलर इवेपोरेशन और सी वॉटर। सोलर इवेपोरेशन का मतलब क्या है कि समुद्र के किनारे ऐसे फील्ड बना दिए जाते हैं, धूप जो पड़ती है उसमें पानी इकट्ठा कर देते हैं, समुद्र का धूप जो पड़ते पानी को वेपोरेट हो जाता है, नीचे सोल्ट रह जाता है, नीचे सोल्ट रह जाता है, सोल्ट के क्रिस्टल रह जाते हैं, वो पानी वेपोरेट होकर चला गया, यानी हमारे पास क्या मिल गया मुझे, क्रूड NaCl, कच्चा नमक मिल गया। उस कच्चे नमक में क्या क्या होता है? सोल्यूबल इम्प्योरिटी होती है और इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी होती है। प्लीज याद रखना इनको। सोल्यूबल इंप्योरिटीज में क्या क्या होता है? सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, Na2SO4, CaSO4, CaCl2, MgCl2 और इनसोल्यूबल इंप्योरिटी। कैसे इस क्रूड NaCl को प्यूरिफाई किया जाएगा? हम क्या करेंगे, पानी में डिजोल्व कर लेंगे इसको। क्रूड NaCl को किसमें डिजोल्व कर लिया? पानी में। पानी में डिजोल्व करने के बाद में फिल्टर कर लो। फिल्टर करने से क्या होगा? फिल्टर करने से क्या होगा, जो मेरी इनसोल्यूबल इंप्योरिटी थी वो तो फिल्टर हो जाएगी। छलनी में छान लिया ना आपने, तो छानने के बाद क्या हुआ, जो चीज पानी में निकलेगी वो अलग हो जाएगी, और उसके बाद जो सोल्यूबल इंप्योरिटीज है उनको रिमूव किया जाएगा बाईपासिंग HCl गैस, बाईपासिंग HCl गैस, ठीक है। तो HCl गैस जैसे ही पास करूंगा, जो सोल्यूबल इंप्योरिटीज है उनको भी अलग अलग कर सकते हैं। सिर्फ पानी में क्या घुले रह जाएंगे, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, सोल्यूबल इंप्योरिटीज उसमें घुली रह जाएगी, और उसको हम सेपरेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे, और हमारे पास क्रिस्टल किसके निकल के आ जाएंगे, NaCl के। लेबोरेटरी प्रिपरेशन की जब बात करते हैं, लैब में कैसे प्रिपेयर किया जाता है, केमिकली इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, केमिकली प्रिपेयर करने का एक तरीका है कि हम HCl ले, ठीक है, और NaOH ले लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों का मिश्रण करिए। अगर नजर नहीं आ रहा तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, HCl प्लस NaOH, इन दोनों का मिश्रण करिए, आपके पास क्या आ जाएगा, NaCl प्लस वाटर। तो हमें क्या मिल गया, टेबल सोल्ट मिल गया, कॉमन सोल्ट मिल गया। आई थिंक अब नजर आ रहा होगा आप सभी को ऊपर, वीडियो में नीचे नजर ना आ रहा तो ऊपर देख लेना, HCl और NaOH को मिलाया, HCl ब्रेक हो गया H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, तो NaCl बना और यहाँ से वाटर रिलीज हो गया। इस तरीके से हम लेबोरेटरी प्रेपरेशन करते हैं किसकी, कॉमन सोल्ट की। लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज एंड द यूजेस ऑफ NaCl। बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज कहने का मतलब दिखता कैसे, क्या है इसके अंदर, क्या चीज है, ठीक है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो प्रॉपर्टीज क्या है, नमक की आपके घर पे रखा हुआ है, सभी देखते हो कैसा है, व्हाइट कलर का है, क्रिस्टलाइन सोलिड है, क्रिस्टल है, हाईली सोल्युबल इन वाटर है, पानी में घुल जाता है नमक,
जानते हो ये सारी चीजें कॉमन सी चीज है, किससे बात करो, इंटेलिजेंट बच्चे मेरे सामने बैठे हुए, नॉर्मल सी चीजें हैं, सारे जानते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इतना जल्दी नहीं पिघलता। देखा होगा मक्की जो भूनते हैं या पीनट्स भूनने वाले देखे होंगे अपने बाजार में, तो जो कढ़ाई होती है उसके अंदर क्या डाला होता है, नमक डाला होता है, ठीक है, नमक के अंदर उसको भूनते हैं, पॉपकॉर्न को भूनते हैं, ठीक है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इतना जल्दी पिघलता नहीं है। प्योर NaCl और इनप्योर NaCl की पहचान कैसे करें, अनिल कपूर की एड भी आती है, प्योरो क्यों खरीदो, ठीक है, इसकी बात करता है। तो इसकी पहचान कैसे होती है, जो प्योर NaCl है ना वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करता, उसको बोलते हैं नॉन डेलिक्यूशन, नॉन डेलिक्यूशन यानी मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। बाहर रख दीजिए कटोरी में, पहले हमारा जब मैं अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो उस समय में क्या होता था, जो नमक लेके आते थे मार्केट से खुला मिलता था, ठीक है, वो इतना खुला मिलता था, बाहर मालक कटोरी में रख दिया, रख लेते थोड़ा सा, गांव में देखा होगा तो मैं भी गांव में रहा हूँ, ठीक है, तो नमक हमने डाल दिया, उसके बाद कटोरी में बचा रह गया नमक, नमक देखते नमक के अंदर क्या जाता, सीलन आ जाती है, नमक सारा खराब, सीलन कहाँ सही है, उसने बाहर के एटमोसफियर से पानी को अब्जॉर्ब कर लिया, पानी को अब्जॉर्ब कर लिया तो उसको क्या बोला, डेलिक्यूशन, क्या बोला, डेलिक्यूशन, ठीक है, क्यों उसको डेलिक्यूशन बोला, क्योंकि उसने मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लिया, मॉइस्चर अब्जॉर्ब कैसे कर लिया, क्योंकि उसके अंदर दो इंप्योरिटी प्रेजेंट है, जो हमने पीछे भी बात की थी, CaCl2 और MgCl2, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, पहले सेंधा नमक भी बोलते हैं इसको, सेंधा नमक बहुत ज्यादा मॉइस्चर का अब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, ठीक है। दूसरा, अब आज का नमक आप बाहर रख के देखिए, इतना जल्दी मॉइस्चर अब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि वो प्योर नहीं है, उसके अंदर ये इंप्योरिटी कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से ये ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं, और जो NaCl है ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, किडनी के ऊपर ज्यादा प्रेशर पोज करता है, बहुत जल्दी एक्टिवेट कराता है, इससे हमारे जो नर्व्स है या हमारा जो ब्लड प्योरिफिकेशन का सिस्टम आर्टरी जो वेन्स होते हैं, तो प्रेशर बढ़ जाता है ब्लड का, तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है हमारा जो नमक, सफेद नमक जो घर पे रखा है। तो नॉर्मली आपको ऐसे नमक का प्रयोग करना चाहिए जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड की इंप्योरिटी प्रेजेंट होती है। तो एक अच्छा सी चीज बता दी आपको, हेल्दी चीज बता दी, तो आप अपने घर पर ये चीजें शेयर कर सकते हो। नाउ यूरिस की बात करते हैं, तो एज ए कॉमन सॉल्ट फॉर डोमेस्टिक पर्पज घर पे यूज करते हैं, सब्जियां बनाते हो, सलाद खाते हो, उसके ऊपर क्या डालते हो, नमक ही डालते हो, एज ए फूड प्रिजर्वेटिव। देखा होगा मम्मी अचार डालती है, दादी अचार डालती है, तो अचार में क्या डाला जाता है, नमक डाला जाता है। नमक क्यों डालते हैं, क्योंकि प्रिजर्वेटिव का काम करता है, अचार जल्दी खराब नहीं होता, ठीक है, ये नहीं नमकीन बनाने के लिए, उसको एज ए फूड प्रिजर्वेटिव भी यूज किया जाता है, खाने को सड़ने से बचाने के लिए यूज किया, यूज टू क्लियर स्नो रोड्स, ठीक है, जहां बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है, बर्फ को साफ करने के लिए NaCl का प्रयोग किया जाता है, उसको डी आइसिंग एजेंट भी बोलते हैं, डी आइसिंग एजेंट, ठीक है, फॉर द प्रेपरेशन ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनको बनाने के लिए भी NaCl का प्रयोग किया जाता है। तो बोर्ड में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, अगले जब सोल्ट में आपको पढ़ाऊंगा, तो बेसिकली ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि बोर्ड में क्वेश्चन कैसा आएगा, कहेगा कि इसका केमिकल फॉर्मूला लिखिए, केमिकल नेम लिखिए और प्रेपरेशन लिखिए, ठीक है जी, तीन पॉइंट आ गए, चौथा पॉइंट क्या कहेगा साथ में, इसके यूजेस लिखिए या फिर इसकी प्रॉपर्टी लिखिए, यूजेस और प्रॉपर्टी में से एक आना है, तो पूरा का पूरा नोट्स ऐसे के ऐसे रेडी होना चाहिए आपका, ओके। तो अगले सोल्ट के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा, अच्छे से रिवाइज करना, बार बार वीडियो को वॉच करना, बदलना है अपने आप को, बदलना है तभी जाके जिंदगी में कुछ कर पाओगे, 10th क्लास में होगे, बोर्ड क्लास में भूलना नहीं, तो अच्छे से रिवाइज करना, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।